वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, मुझे लग रहा है आई थिंक थोड़ा सा जो काम हुआ है उसकी वजह से। तो बट अभी एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो ये पार्ट टू है एमसीक्यूज का जो मैंने कल बनाया था। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। सॉल्यूशंस Then we have psychology's major contribution to the field of organizational behavior have been primarily at what level of analysis? कौन से लेवल पे साइकोलॉजी का मेजर कंट्रीब्यूशन है ओबी में? ग्रुप लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या फिर कल्चर लेवल पे? तो बेसिकली जो साइकोलॉजी होती है वो यूजुअली जो उसकी मतलब बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी होगा द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, then we have which behavioral science discipline is most focused on understanding individual behavior? individual को behavior को समझने के लिए कौन सी behavioral science है जो most focused है? sociology, social psychology, psychology, anthropology। अभी मैंने आपको ऊपर ही वाले question में बताया कि individual behavior से जो most basic concepts derive करती है वो psychology होती है, तो जहाँ पे भी individual behavior की बात आएगी तो वो psychology ही होगी। okay, then we have the science that seeks to measure, explain and sometimes change the behavior of humans and other animals is known as। okay, behavior ke sath jo science khelti hai matlab measure, explain ya phir change bhi karti hai wo kaun si science hoti hai? to but obviously that is psychology, it deals with completely the behavior। ab isme dekho animal likha hai, dhyan dena human and other animal as well, वैसे ह्यूमन भी एनिमल होते हैं बट हम लोग को तो कहते नहीं है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लेंड्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी साफ साफ दिख रहा है भाई, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मिला के सोशल साइकोलॉजी, बाकी ऑप्शंस तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो लोग इसमें इस वीडियो में नए हैं उनको मैं फिर से बता दूँ, एमसीक्यू सॉल्व करने के तीन ही तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली जो भी ऑप्शन आइए उस पर क्लिक करिए। दूसरा तरीका ये कि आप एलिमिनेट करिए कि कौन से तीन ऑप्शंस एकदम ही गलत हैं, तो जो लास्ट बचेगा वो सही ही होगा। एंड तीसरा तरीका ये कि जय माता दी बोलिए और भगवान भरोसे तुक्का मारिए। ठीक है, तो जिनको पहले के दोनों तरीके नहीं आते हैं या जिनके लिए पहले के दोनों तरीके सूटेबल नहीं हैं उनके लिए बचता है लास्ट का तीसरा तरीका, तुक्का मारिए और करिए। वैसे एज अ टीचर मैं सजेस्ट तो नहीं करती पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप तीसरा ऑप्शन फॉलो ना करें इसलिए मैं आपको इतना सारे एमसीक्यूज पढ़ा भी रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी इज्जत रख लो थोड़ी सी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है द साइंस दैट फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस पीपल हैव ऑन अदर इज। अब एक इंसान या फिर किसी का भी दूसरे पर जो इन्फ्लुएंस है उस पर फोकस करने वाली साइंस क्या होगी? एंथ्रोपोलॉजी। देखो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली बहुत डीप रूटेड साइंस है, बहुत टिपिकल स्टडी है। अब देखो इसमें साइकोलॉजी नहीं होगा क्योंकि साइकोलॉजी बिहेवियर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसको तो क्लिक ही मत कर देना प्लीज़ यार। सोशल साइकोलॉजी ये भी नहीं होगा, द लास्ट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी। जब बाकी के नहीं होंगे तो एक आंसर तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके, नाउ द सिक्स क्वेश्चन विच वी हैव इज द साइंस दैट फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस पीपल हैव ऑन वन ऑन अदर। अब ये जो है देखो साइकोलॉजी नहीं होगा क्योंकि वो बिहेवियर पे है, एंथ्रोपोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी नहीं होगा, इट इज़ द लास्ट ऑप्शन सोशल साइकोलॉजी। आंसर बी को इग्नोर करो, जो लिखा है वो गलत है, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होता है। सो यहाँ पर देखो इन्फ्लुएंस पीपल हैव ऑन वन अदर, बात ही सोसाइटी की गई है, तो ये सोशल साइकोलॉजी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स हैज़ मोस्ट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऑपरेशंस एंड रिसर्च। अब देखो इसमें इन्होंने जो लिखा है डिफरेंसेस को लाइक वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर पीपल के बीच में इन डिफरेंट कंट्रीज़, उसको समझने में किसने हेल्प करी है? तो इट इज़ कम्प्लीटली द आंसर इज़ साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम जब बिहेवियर की बात ही करेंगे तो मतलब साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं।
ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजी नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस होगा नहीं, ऑपरेशन रिसर्च होगा नहीं, ठीक है, इग्नोर दैट आंसर ए, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बी टॉपिक्स इज़ नॉट सेंट्रल टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ फियर्स अबाउट टेररिज्म. टेररिज्म को लेके एम्प्लॉय के फियर मैनेज इनमें से कौन नहीं करता है? इमोशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, वर्क डिज़ाइन. बट ऑब्वियसली वर्क डिज़ाइन, इमोशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये तीनों ही ऐसे चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम टेररिज्म को लेकर फियर मैनेज कर सकते हैं, बट वर्क डिज़ाइन के थ्रू नहीं कर सकते. ओके, सो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके बचता गया है डी. अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु टॉम पीटर्स, ओहो मैनेजमेंट गुरु है ये. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरु टॉम पीटर्स, ऑलमोस्ट ऑल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कम्स फ्रॉम ऑफ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लेआउट, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. अब ये सारे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कहाँ से होंगे? मॉडिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, इंटीग्रेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन. बट ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन से होंगे. अब जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना आपका उतना बेटर लेआउट होगा, उतना बेटर प्रोसेस और प्रोसीजर होता जाएगा, उतनी ही बेटर आपकी क्या बोलते हैं डिज़ाइन होती जाएगी. ठीक है, मॉडिफाई करना तो जैसे कि देखो, मॉडिफाई, स्ट्रेटिफिकेशन और इंटीग्रेशन ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मोस्ट सूटेबल इसमें सिंप्लीफिकेशन है. ये थोड़ा सा याद करने वाला क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बात करी गई है. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं, टॉम पीटर्स के अकॉर्डिंग, तो इसलिए थोड़ा सा याद करने वाला था. तो इसमें आप ये कन्फ्यूज़ मत होइए कि यार ये तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया. चल अबाउट दैट, डोंट गेट कन्फ्यूज. ठीक है, टुडेज मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ एनी एफर्ट एट इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मस्ट इंक्लूड. ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी लास्ट वीडियो में कराया है शायद. ओके, लेट्स सी दी ऑप्शंस. प्रोसेसरी इंजीनियरिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट्स, डी एम्प्लॉयज. अब देखो, टुडेज मैनेजर्स अंडरस्टैंड दैट द सक्सेस ऑफ एनी एफर्ट एट इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी. क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं तो मैंने लास्ट में भी पढ़ाया था. लास्ट के ऑप्शंस कुछ डिफरेंट थे. वो क्वेश्चन लास्ट वीडियो से नहीं देखा उसको देखना, तो उसमें आपको मिलेगा ज़रूर. ठीक है, अब किसी भी एफर्ट, किसी भी चीज़ में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है तो ये सब जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस हैं इससे कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी तो एम्प्लॉयज़ ही इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा करना है तो वो एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हैं. मैनेजमेंट अच्छी करनी है तो वो अच्छे मैनेजर्स ही कर सकते हैं. ठीक है, तो कंपनी का बिगेस्ट असेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसलिए इसका आंसर एम्प्लॉयज़ होगा. ओके, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, जो बचेगा वही बेस्ट आंसर होगा. याद है तो बढ़िया ही है भाई, डायरेक्ट क्लिक करो. बट मेरे अकॉर्डिंग इतनी सारी थ्योरी कोई भी इंसान याद नहीं कर सकता है. ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज लैंड बिल्डिंग, कैश एंड बैंक बैलेंस, ह्यूमन बींग, टेक्नोलॉजी. बट ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, सबसे वैल्यूएबल असेट ह्यूमन बींग्स होते हैं. अगर ह्यूमन बींग की जगह यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिखा होता तो वो भी सही आंसर होता. ओके, अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन सी होता ह्यूमन बींग और ऑप्शन डी होता एम्प्लॉयज़, तो आप ऑप्शन सी को नहीं, डी को क्लिक करते. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ एग्जैक्टली सूटेबल वर्ड है. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है तो हमने ह्यूमन बींग को टिक किया है क्योंकि उसके बाद वही बेस्ट सूटेबल वर्ड है. ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन चलता है. व्हाट टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन? ओके, दिस इज़ टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत बार पढ़ाया है ना मैंने आपको, ये सेम वही चीज़ है. चाहे कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कंपनी छोड़े, चाहे उसे छुड़वाया जाए, लाइक मैं कह सकती हूँ कि टर्मिनेट कर दिया जाए उसे, तो इन दोनों ही चीज़ों को टर्नओवर रेट बोलते हैं. सिर्फ टर्नओवर भी ठीक है, एब्सेंटिज्म तो नहीं बोलेंगे, डाउनसाइजिंग भी नहीं बोलेंगे और ट्रांसी भी नहीं बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डैश इज डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयज़ फॉर्मल रिक्वायरमेंट बट दैट प्रमोट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ऑप्शंस में प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब देखो, डिस्क्रिशनरी बिहेवियर है जो कि किसी भी एम्प्लॉय की फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता बट इफेक्टिव फंक्शनिंग प्रमोट करता है. तो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली बात है जॉब का पार्ट होता है भाई, तुमको काम पर रखा ही क्यों अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो तो. मोटिवेशन तो ऑब्वियसली बात है, मैं कह सकती हूँ कि इंसान अगर मोटिवेटेड है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है, तो ही वो अच्छा काम कर पाएगा, सारे टारगेट्स फुलफिल कर पाएगा. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये तो पूरा कंसेप्ट ही अलग हो गया. तो लास्ट बचता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप. दिस मींस कि आपका, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको
विच मीन्स कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स कैसे हैं, सब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये है बेसिकली। तो ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव फंक्शनिंग यही चीज़ प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगे यहाँ पे ध्यान देना नॉट की जगह एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। लीडरशिप, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन। अब देखो इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो लीडरशिप जो है ये इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, अपने फॉलोअर्स के नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, रिक्वायरमेंट लेवल पर जाकर उनसे कम्युनिकेट करता है और फिर उनको मोटिवेट करता है उस काम के लिए, ठीक है। अपने लेवल पर नहीं लेकर आता, उनके लेवल पर जाकर उनसे कम्युनिकेट करता है ताकि ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट टर्म एबिलिटी एज इट इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एबिलिटी के लिए कौन सी टर्म ट्रू है? पहला लिखा है इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू परफॉर्म वेरियस टास्क, ओके। इट इज़ द करंट असेसमेंट ऑफ वॉट इंडिविजुअल कैन डू। इट रिफर्स एक्सक्लूसिवली टू इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इट रिफर्स एक्सक्लूसिवली टू फिजिकल स्किल्स। अब देखो विलिंगनेस वर्ड ऑप्शन ए में यूज़ किया है तो वो नहीं होगा। एबिलिटी और विलिंगनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इस वजह से ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स को रेफर नहीं करता, ऑप्शन सी कैंसिल। फिजिकल स्किल्स को रेफर नहीं करता, ऑप्शन डी कैंसिल, क्योंकि एबिलिटी की बात करी गई है, ठीक है, स्किल्स की बात नहीं करी गई है। तो अब ये है कि इट इज़ अ करंट असेसमेंट ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू, वो क्या कर सकता है। एबिलिटी मतलब कैन, तो ऑप्शन बी में ही कैन लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी एकदम इस आंसर के लिए सुइटेबल है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए सुइटेबल है, ओके। तो मैंने बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक? पॉलिटिकल एफिलिएशन, एज, सेक्स, टेन्योर। बट ऑब्वियसली पॉलिटिकल एफिलिएशन। टेन्योर का मतलब वैसे तो कि आप कितनी देर किस जॉब प्रोफाइल में हैं, बट टेन्योर का मतलब आपकी हम कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर आपकी लाइफ कितनी लंबी है वो भी हो सकता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक है, बायोग्राफिकल टर्म्स में। एज, सेक्स तो ऑलरेडी बायोग्राफिकल टर्म है, तो लास्ट बचा ऑप्शन पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल एफिलिएशन और टेन्योर दोनों ऑप्शंस लग रहे थे अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कर रहे थे तो, लेकिन थोड़ा और कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे कि टेन्योर मतलब कितना टाइम जी रहे हो या कितना टाइम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो बचता है पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है, जबकि पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या कैसे हैं। एक्सपेरिमेंट्स performed by Ivan Pavlov led to what theory? Okay, Pavlov की थ्योरी को क्या लेड किया था? तो बट ऑब्वियसली क्लासिकल कंडीशनिंग, याद रखना मैंने लास्ट में भी पढ़ाया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज पैवलोवियन कंडीशनिंग, ओके। तो अब ये याद रखना कि क्लासिकल कंडीशनिंग आया तो पैवलोव का नाम आपको याद रखना चाहिए। वट रोल डिड द मीट प्ले इन पैवलोव एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अ कंडीशनड स्टिमुलस, अ कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब देखो मीट ने कौन सा रोल प्ले किया था? देखो रिस्पॉन्स का रोल तो प्ले नहीं करेगा क्योंकि मीट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है। अब कंडीशन स्टिमुलस नहीं, अनकंडीशन सॉरी कंडीशन रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं, अनकंडीशन स्टिमुलस क्यों? क्योंकि ऐसे कोई हम कह सकते हैं कि इन पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट द बेल वॉज, बेल क्या थी? अनकंडीशन स्टिमुलस थी, अनकंडीशन रिस्पॉन्ड थी, अनकंडीशन स्टिमुलस थी या फिर कंडीशन रिस्पॉन्ड थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में ऑप्शन सी करेक्ट है, कंडीशन स्टिमुलस थी, ठीक है। देखो बेल रिस्पॉन्स नहीं होगी क्योंकि जब उन्होंने डॉग्स के रेफरेंस में बेल और मीट वगैरह यूज़ किया था तो वो रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, ठीक है, वो स्टिमुलस ही होगा क्योंकि डॉग उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक। और इनकी जो है कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ही है तो इसलिए कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, अनकंडीशनड इसलिए नहीं क्योंकि इनकी थ्योरी ही कंडीशनिंग पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ पैसिव, क्लासिकल कंडीशनिंग कैन एक्सप्लेन सिंपल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, ये तो मुझे ट्रू लग रहा है। उसके बाद लर्निंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एन एसोसिएशन बिटवीन अ कंडीशन स्टिमुलस एंड एन अनकंडीशन स्टिमुलस, ये भी खैर उन्हीं की थ्योरी में था। लास्ट बचता है अ न्यूट्रल स्टिमुलस टेक्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडीशन स्टिमुलस, ये क्लासिकल थ्योरी में नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर दैट, ओके। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग आर्ग्यूज दैट
Behavior is reflexive. Behavior is unlearned. Behavior is a function of its consequences. The tendency to repeat a behavior is very strong. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, अब देखो इसमें बिहेवियर इज़ अनलर्नड, बिहेवियर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड द टेंडेंसी टू रिपीट अ बिहेवियर इज़ वेरी स्ट्रांग. ये सारी चीज़ें इस कंडीशनिंग में कही नहीं गई हैं. ठीक है, ये आर्ग्यू ही करता है कि बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस का एक फंक्शन है. ठीक है, तो ये अगर आपको याद होगा तो आप कर लोगे, तो परेशान नहीं हो कि मुझे समझ नहीं आया. ये कुछ कुछ चीज़ें याद वाली भी होती हैं, क्योंकि जो थ्योरीज हैं वो याद करने वाली भी होती ही हैं. ठीक है, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स थॉट दैट री इन्फोर्समेंट वॉज अ सेंट्रल फैक्टर इन्वॉल्व इन बिहेवियरल चेंज. बिहेवियरल चेंज का सेंट्रल फैक्टर री इन्फोर्समेंट था, ये किसने कहा था? पावलोव, फ्योल, स्किनर या डेमिंग? तो ये स्किनर ने कहा था. ठीक है, इनकी भी थ्योरी काफ़ी फेमस है, मैंने पढ़ाई भी है आपको. अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हेन बिहेवियर इज़ नॉट री इन्फोर्स्ड वॉट हैपन्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर अकरिंग अगेन. अब जब बिहेवियर री इन्फोर्स्ड, देखो री इन्फोर्स्ड का मतलब कि अगर सही है तो उसे रिवॉर्ड करो और अगर वो गलत है तो उसके लिए पनिश करो. ठीक है, बेसिक मैं आपको बहुत सिंपल से मतलब समझा रही हूँ. ठीक है, वर्ड टू वर्ड मत जाइएगा इस पर. तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बिहेवियर दोबारा अकर करेगा या नहीं? इट इंक्रीजेस, इट डिक्लाइंस, इट रिमेंस अनचेंज, बट ऑब्वियसली इट डिक्लाइन. अगर आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर के लिए पनिश कर दोगे तो 90% तो चांस ही है कि वो डिक्लाइन कर जाएगा. देन वी हैव व्हाट डू वी कॉल द व्यू दैट वी कैन लर्न बोथ थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. ओके, सिचुएशनल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, द पावलोव प्रिंसिपल. बट ऑब्वियसली सोशल लर्निंग थ्योरी. क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो जो भी चीज़ें लर्न करते हैं वो आप अगर वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करें तो वो सोशल लर्निंग में आ रहा है, सिचुएशनल या फिर क्लासिकल में नहीं आ रहा. जो क्लासिकल है वही पावलोव है. तो अगर ऑप्शन बी नहीं है तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बचता है ऑप्शन सी. वैसे तो ये थ्योरी का पार्ट है, तो अगर याद रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा इसको करना, अदरवाइज़ इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, देन अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट. ओके, फोर प्रोसेसेस हैव बीन फाउंड टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस दैट अ मॉडल विल हैव ऑन एन इंडिविजुअल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्रोसेसेस? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्रोसेसेस? पहला है अटेंशन प्रोसेस, दूसरा रिटेंशन, तीसरा मोटर रिप्रोडक्शन एंड चौथा है consequential processes. Okay, influence model that a model will have on an individual. अब देखो एक मॉडल किसी भी इंडिविजुअल पे अटेंशन प्रोसेस का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिल्कुल, रिटेंशन का भी हो सकता है, मोटर रिप्रोडक्शन का भी हो सकता है. हो सकता है कि उसकी तरह कोई और भी मॉडल बनना चाहे तो बाकी सारी चीज़ें फॉलो करें, बट कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसेस उसका, क्योंकि जो हो सकता है कि जो चीज़ मॉडल की लाइफ में हुई, जो उसने एक्सपीरियंस किया और जिस स्टेज पे वो है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंसान जो उसको देखकर इन्फ्लुएंस होकर मॉडल बनना चाह रहा है सेम चीज़ उसकी लाइफ में भी हो. ओके, देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डील्स विथ हाउ वेल एन इंडिविजुअल रिमेंबर्स अ मॉडल्स एक्शन आफ्टर इट इज़ नो लॉन्गर रीडली अवेलेबल. अब देखो यहाँ मॉडल का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि मॉडल, यहाँ मॉडल का मतलब रोल मॉडल है. ठीक है, पहला है एटीट्यूडिनल, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है मोटर रिप्रोडक्शन एंड चौथा है रीइन्फोर्समेंट. इसमें ऑप्शन होगा आपका रिटेंशन, क्योंकि रिटेंशन, देखो अब ये वर्ड बहुत कॉमन है जब हम लोग क्रिएटर्स भी यूज़ करते हैं, तो रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन कितनी है, दैट मीन्स कि कितनी देर तक आपके व्यूअर्स आपके कंटेंट पर रुक रहे हैं, कितना उसको वॉच कर रहे हैं, रीवॉच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब कितना इंगेज हो रहे हैं. तो रिटेंशन का ये मतलब होता है. तो बट ऑब्वियसली अगर आपको एक्शन, मान लो कि आपका जो मॉडल है उसने कोई बात बताई या उसने कोई प्रिंसिपल रखा, वो दोबारा वो चीज़ नहीं रख रहा, पर फिर भी आपको वो चीज़ महीनों तक सालों तक याद है कि मेरे रोल मॉडल, ये मेरा रोल मॉडल ये कहता है या ये सोचता है या ये चीज़ बिलीव करता है, तो वो क्या आपकी रिटेंशन रेट है. ठीक है, कि आपको अच्छे से याद है. देन वी हैव व्हाट डू वी कॉल द प्रैक्टिस ऑफ री इन्फोर्सिंग क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ डिजायर्ड बिहेवियर, मॉडलिंग, शेपिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग. बट ऑब्वियसली इट इज़ शेपिंग. जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, कि मान लो हम किसी इंसान को टेक्निकली काम, फर्म और बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल बनाना चाह रहे हैं, तो हम कंसिस्टेंसी से उसको इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे. उसे काम रहना है, फर्म रहना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत डीप थिंकर उसको बनाना है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शेपिंग कर रहे हैं. ठीक है,
Then we have suspending an employee for dishonest behavior as an example of which method of shaping behavior, but obviously it is punishment. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है the application of reinforcement concepts to individuals in the work setting is referred to as, okay, then classical conditioning, self management, re-engineering, OB modification, but obviously it is organizational behavior modification. ये ओ बी मॉडिफिकेशन की टेक्निक है रीइन्फोर्समेंट, क्यों? क्योंकि हम किसी इंसान के या किसी इंडिविजुअल के ग्रुप के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं. ठीक, देन वी हैव हु सेड गिव मी अ चाइल्ड एट बर्थ एंड आई कैन मेक हिम इनटू एनीथिंग यू वांट. ये बी एफ स्किनर की थ्योरी में था. बी एफ स्किनर की थ्योरी में वो स्टेजेस है ना, जो बी एफ स्किनर का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप बचपन के स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल अपने बच्चे को जैसे नर्चर करते हैं, उसमें जो बिलीव्स डालते हैं वही उसकी फितरत बनती है, बेसिक रूट बनती है. अगर वो बचपन में एरोगेंट है तो वो बड़ा हो के कितना भी पढ़ा लिखा और काम और फर्म हो जाए, बट उसका जो बेसिक नेचर है वो एरोगेंट ही होगा. अगर वो बचपन से डोमिनेटिंग है, सेम चीज़ वो लाइफ टाइम कैरी करेगा चाहे वो कितना भी चेंज हो जाए. तो जो बेसिक नेचर है वो बच्चे की जब बर्थ होती है तो उसके जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं उसी में डराइव हो जाता है. तो ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है और ये सच भी है आई थिंक. ओके, देन वी हैव सैम इज़ ऑलवेज अ लेट कमिंग टू वर्क एंड द मैनेजर कट इज इंक्रीमेंट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बट ऑब्वियसली भाई पनिशमेंट है, एग्जाम्पल है. ठीक है, वॉट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरमेंट. इसमें हमारे पास है इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, आउटलुक, परसेप्शन. बट ऑब्वियसली भाई इंडिविजुअल अगर कुछ भी इंटरप्रेट कर रहा है तो अपने परसेप्शन से ही कर रहा है. ठीक है, जो सेंसरी इंप्रेशन, भाई सेंस क्या करेगा, जो उसका परसेप्शन पहले से बना हुआ होगा वही तो सेंस करेगा ना. देन वी हैव टू पीपल सी द सेम थिंग एट द सेम टाइम येट इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. वेयर डू द फैक्टर्स दैट ऑपरेट टू शेप दैट डिसिमिलर परसेप्शंस रिसाइड, द परसीवर, द टारगेट, द टाइमिंग, द कंटेक्स्ट. बट ऑब्वियसली अगर दो लोग सेम सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने परसेप्शन की वजह से, अपनी खुद के माइंडसेट और थिंकिंग की वजह से. टारगेट, टाइमिंग, कंटेक्स्ट उसमें मतलब ही नहीं करता. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी? परसेप्शन पीपल फॉर्म अबाउट ईच अदर, परसेप्शन पीपल फॉर्म अबाउट देयर एम्प्लॉयर, परसेप्शन पीपल फॉर्म अबाउट देयर कल्चर, फॉर्म अबाउट देयर सोसाइटी. देखो, मोस्ट रेलेवेंट जो एप्लीकेशन है परसेप्शन का वो है फॉर्म अबाउट ईच अदर, क्योंकि परसेप्शन आपका एक दूसरे के बारे में बनता है. ये मोस्ट रेलेवेंट है. एम्प्लॉयर और कल्चर और सोसाइटी ये पर्टिकुलर कुछ पार्ट हैं. ठीक है, जैसे मान लो किसी कंटेक्स्ट में, बट एक दूसरे के रेफरेंस में आपके क्या परसेप्शंस बनते हैं, यही परसेप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी की मोस्ट रेलेवेंट यूज़ है. ठीक है, देन वी हैव वॉट इज़ द नेम ऑफ थ्योरी दैट डील्स विद हाउ वी एक्सप्लेन बिहेवियर डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग वी डिज़ाइन टू द एक्टर. पहला है बिहेवियरल थ्योरी, दूसरा है जजमेंट थ्योरी, तीसरा सेलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी, एंड देन वी हैव एट्रीब्यूशन थ्योरी. एट्रीब्यूशन थ्योरी क्यों? क्योंकि जो बिहेवियर को डिफरेंटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करते वक्त एक्सप्लेन करता है, लाइक कि सेम सिचुएशन में कैसे सेम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट में कैसे सेम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ एट्रीब्यूशन थ्योरी में बताया गया है. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सुन के जाओ. इन एट्रीब्यूशन थ्योरी वॉट इज डिस डिस्टिंक्टिवनेस. अब याद भाई, डिस्टिंक्टिवनेस अगर पूछा गया और आपको ये नहीं पता कि एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं. वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेस कंसिस्टेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. अब देखो, ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन ऑप्शन डी में लिखा है, ऑप्शन बी में डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन लिखा है. तो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब ही यही होता है, डिफरेंट. तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंट वर्ड को यूज़ किया गया है वो ऑप्शन आपके लिए रेलेवेंट है अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो. और अगर आपको याद है तो, बट ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसा कोई क्वेश्चन कराया है तो ये आंसर करेक्ट है. उसमें खाली डेफिनेशन क्वेश्चन में थी और आंसर में पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, तो डिस्टिंक्टिवनेस उसका मैंने आंसर बताया था. ठीक है, डैश इज वंस व्यू ऑफ रियलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, आउटलुक या फिर पर्सनालिटी. बट ऑब्वियसली परसेप्शन, आप रियलिटी को खुद कैसे देखते हैं. वंस व्यू, यहाँ पे वंस गलत लिखा है, यहाँ पे वंस ये एक बार वाला वंस लिखा है, बट यहाँ पे ओ एन ओ ई अपोस्ट्रोफी एस वाला वंस होगा, मतलब किसी का व्यू ऑफ रियलिटी क्या होता है, बट ऑब्वियसली उसका परसेप्शन होता है. ठीक है, डैश इज़ अ
देखो एटीट्यूड नहीं होगा क्योंकि परसेप्शन से ही एटीट्यूड बिल्ड होता है, परसेप्शन से ही आउटलुक और पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, तो परसेप्शन आंसर होगा। डैश इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। ओके, परसेप्शन एटीट्यूड बिहेवियर पर्सनैलिटी, बट ऑब्वियसली पर्सनैलिटी परसेप्शन डायनामिक नहीं है, वो हर पर्सन का अलग अलग होता है, बट पर्सनैलिटी बहुत ही डायनामिक एस्पेक्ट है। उसमें एटीट्यूड भी होता है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें परसेप्शंस भी होते हैं, जजमेंट्स भी होती हैं, स्किल्स भी होती हैं, तो बहुत डायनामिक है। सबसे ज़्यादा डायनामिक इन सब में से क्या है? पर्सनैलिटी। ठीक है, अब देखो इसमें आप एटीट्यूड बिहेवियर और परसेप्शन तीनों क्लिक कर सकते थे, है ना, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे यूनिक एडजस्टमेंट लिखा है और सिर्फ पर्सनालिटी ही यूनिक होती है। हो सकता है एक इंसान स्वीट है, 10 और इंसान स्वीट हो सकते हैं भाई, तो 10 लोगों का बिहेवियर स्वीट हो सकता है, तो ये यूनिक तो नहीं हुआ। हो सकता है एक इंसान का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, 10 और लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी यूनिक नहीं हुआ। हो सकता है कि एक इंसान का परसेप्शन है कि अमेरिकन ऐसे होते हैं, 10 और लोगों का सेम परसेप्शन हो सकता है, इसीलिए पर्सनैलिटी की लर्निंग सोशल लर्निंग, बट ऑब्वियसली कॉग्निटिव लर्निंग होती है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं, टर्मिनोलॉजीज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। ठीक है, देन वी हैव डैश आर दोज फैक्टर्स आर एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट एज परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल। साइकोलॉजिकल ड्राइव, फिजियोलॉजिकल ड्राइव, क्यू स्टिमुली, रीइंफोर्समेंट। अब देखो जो भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो क्यों स्टिमली होते हैं, क्योंकि हम उन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं एग्जिस्ट करते, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, हम उनके उन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर देखो इन्वायरमेंट में एयर है तो वी ब्रीथ, इन्वायरमेंट में फूड है तो वी ईट, इन्वायरमेंट में अगर बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड लोग हमारे आसपास हैं तो वी लर्न, अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम जिंदगी से दूर रहने वाले थके हारे गायब लोग हैं तो बट ऑब्वियसली वी फील अपसेट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें हर चीज़ नेगेटिव ही दिखती है। तो ये क्या है? क्यू स्टिमली है जिस पे हम रिएक्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग। देन वी हैव डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग आउट इन्फॉर्मेशन दैट वी आर अनकम्फर्टेबल विथ और दैट कॉन्ट्रडिक्ट टू आर बिलीव्स। ओके, सो दिस इज नोन एज सिलेक्टिव परसेप्शन। स्क्रीनिंग आउट लिखा है मतलब निकाल देना, तो जो चीज़ हमारे बिलीव्स के खिलाफ है या जिसको हम सही नहीं समझते, जिससे हम कंफर्टेबल ही नहीं है, उन चीज़ों को हटाना बट ऑब्वियसली सिलेक्टिव परसेप्शन है। हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग या परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हम कोई चीज़ स्क्रीन आउट कर रहे हैं मतलब एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वो एक सिलेक्टिव परसेप्शन है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ वहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंटली रिगार्ड देमसेल्फ एज केपेबल, वर्दी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा इज सेल्फ इस्टीम। बट ऑब्वियसली अगर कोई इंसान खुद में भरोसा कर रहा है तो वो सेल्फ इस्टीम है, अथॉरिटेरियनिज्म या टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्युटी या फिर वर्कहोलिज्म नहीं है। ठीक है, देन वी हैव अ लर्नड प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जेक्ट। परसेप्शन होता है एटीट्यूड बिहेवियर या फिर पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी होगा एटीट्यूड। आपका किस मैनर में फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल, किस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। ठीक है, देन वी हैव आई डोंट लाइक दैट कंपनी इज डैश कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, इट इज़ अफेक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटेंशनल नहीं है, कॉग्निटिव नहीं है, क्योंकि देखो कॉग्निटिव ऐसा कुछ जिसमें बहुत इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ नहीं किया गया। अगर आपको नहीं पसंद है मतलब, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ हुआ होगा या कुछ इमोशनल या फिर कुछ किसी भी लेवल पे कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो एक अफेक्टिव कॉम्पोनेंट है, क्योंकि यह आपको भी अफेक्ट कर रहा है और आप छोड़ के जाओगे तो कंपनी को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। देर आर दी वर्स्ट फर्म आई हैव एवर डेल्ट विथ इस डैश कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, इंटेंशनल, नन ऑफ दी अबव, एंड इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट। क्यों? क्योंकि वर्स्ट फर्म आई हैव एवर डेल्ट विथ, तो इसमें आप सोच समझ के बता रहे हो कि अगर मैंने 5-6 फर्म्स में काम किया है तो वर्स्ट ये है, इसलिए इसे हम कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट बोलेंगे। फिर आई नेवर डू बिजनेस विथ देम अगेन इज डैश कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, इंटेंशनल। आई विल नेवर डू, मैं नहीं करूँगा मतलब आप नहीं चाहते हैं बिजनेस करना कभी भी, तो ये क्या है? इंटेंशनल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड, ओपिनियन सर्वे, इंटरव्यू, स्केलिंग टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव। सारे एटीट्यूड में ओपिनियन सर्वे कर लो, किसका क्या ओपिनियन है, आपको समझ आ जाएगा किसका क्या एटीट्यूड है। मान लो कोई एक टॉपिक है, कोई एक अच्छा सा डिसीजन है, उस पर क्या कुछ क्या लोग क्या बोल रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव है, कितने लोग पॉजिटिव है, आपको उनका एटीट्यूड समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू कर लो, स्केलिंग टेक्निक्स बाकी होती हैं कि भाई कौन कितना रेट कर रहा है, क्या कैसे। ठीक है, ये भी हो गया। देन वी हैव बेसिस ऑफ अथॉरिटिक
सॉरी बेसिस ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ OB इज इकोनॉमिक रिसोर्स पावर लीडरशिप पार्टनरशिप बट ऑब्वियसली इट इज़ पावर। ऑटोक्रेटिक की बात की गई है, ऑटोक्रेट्स अथॉरिटेटिव होते ही हैं, तो साफ साफ पावर, बाकी ऑप्शंस को तो देखना भी मत। ओके नाउ देन वी विल मूव टू दी सेट नंबर कस्टोडियल मॉडल ऑफ OB इज OB का कस्टोडियल मॉडल का बेसिस क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स पावर लीडरशिप एवर पार्टनरशिप। बट ऑब्वियसली कस्टोडियल मॉडल में सबसे ज़्यादा जो रेफ़र किया गया है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को रेफ़र किया गया है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, ये हटाने वाली नहीं है, ठीक है। बेसिस ऑफ सपोर्टिव मॉडल ऑफ OB इज सपोर्टिव मॉडल का बेसिस क्या है, लीडरशिप। क्यों? क्योंकि सपोर्टिव मॉडल कम्प्लीटली लीडरशिप पे बेस्ड ही है, ठीक है। OB का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, इतना तो पता ही होगा। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट जोक, बेसिस ऑफ कोलीजियल मॉडल ऑफ OB इज कोलीजियल मॉडल का जो बेसिस है वो पार्टनरशिप पर है, ठीक है, 50-50% तुम भी हम भी दोनों मिलके कर लेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। देन वी हैव मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ OB इज अथॉरिटी मनी सपोर्ट टीम वर्क। बट ऑब्वियसली अथॉरिटी यार, जो ऑटोक्रेटिक मॉडल में मैनेजर्स होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते ही हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल, बट ऑब्वियसली सपोर्ट, लीडर हमेशा सपोर्ट करता है, टीम वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिव मॉडल की बात करी गई है, तो सपोर्टिव वर्ड से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल आंसर नंबर सी है सपोर्ट, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, ठीक है। धर के टीम वर्क या तुक्का मार के भाई टीम वर्क लग रहा कर दो, ऐसा नहीं, जहाँ पे आप कर सकते हो एलिमिनेट या फिर कनेक्ट वहाँ पे कॉमन सेंस बिल्कुल यूज़ करना प्लीज़, ठीक है। देन वी हैव मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ कस्टोडियल मॉडल ऑफ OB इज, आई थिंक फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको मैनेजरियल ओरिएंटेशन में आपको जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि इसका बेसिस क्या होता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज किससे आते हैं, पैसे से, तो आंसर होगा बी, सपोर्ट टीम वर्क या फिर अथॉरिटी से इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं आते हैं। तो कस्टोडियल मॉडल अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था कि वो इकोनॉमिक रिसोर्स पे बेस्ड होता है, इसलिए मनी होगा आंसर। देन वी हैव मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ कोलीजियल मॉडल ऑफ OB इज टीम वर्क, हम साथ में कर लेंगे, थोड़ा तुम थोड़ा मैं, क्योंकि इसका बेसिस क्या होता है, पार्टनरशिप, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ाया। देन वी हैव एम्प्लॉइज नीड्स मेट बाय ऑटोक्रेटिक मॉडल इज सबसिस्टेंस सिक्योरिटी स्टेटस एंड रिकॉग्निशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट ऑब्वियसली इसमें होगा सबसिस्टेंस, देखो स्टेटस सिक्योरिटी और क्या बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑटोक्रेटिक मॉडल में तो मिल ही नहीं सकता, सारे ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्या बचा, सबसिस्टेंस। ओके देन वी हैव एम्प्लॉइज नीड्स मेट बाय कस्टोडियल मॉडल, कस्टोडियल मॉडल से जो नीड्स मेट होती हैं बट ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी है, क्यों, क्योंकि उसमें टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क होता है तो ऑब्वियसली कि कोई किसी के खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं करेगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे। देन वी हैव एम्प्लॉइज नीड्स मेट बाय सपोर्टिव मॉडल, सपोर्टिव मॉडल कौन सी नीड मेट करता है, बट ऑब्वियसली स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, क्यों, क्योंकि सपोर्टिव मॉडल में दी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन एजुकेशन मैच विद द जॉब, कुछ नहीं, अगर जॉब फिट है तो जितना उसको पैसा मिल रहा है उतना वो काम कर रहा है, यही उसका मतलब होता है, ठीक है, उतना वो रिजल्ट दे रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी चीज़ें भी हैं बट मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस, मोटिवेशन लर्निंग पर्सनैलिटी कम्प्लेक्शन। बट ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डिफरेंट आपका कलर कम्प्लेक्शन नहीं हो सकता, आप गोरे हैं या काले, आपकी साइकोलॉजी का डिफरेंस नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें भी फिर से अपीयरेंस कम्प्लेक्शन एटीट्यूड बॉडी शेप। अब इसमें कहा गया है कि इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो आपकी अपीयरेंस, आपका कम्प्लेक्शन और आपका बॉडी शेप, ये तीनों ही चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में नॉट की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ऑप्शन सी एटीट्यूड करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, नॉट नहीं, इज़ एन एट्रीब्यूट, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस का एट्रीब्यूट है, बाकी सारे नहीं हैं, ठीक है। देन वी हैव डैच इज अ पर्सन्स बिलीव अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेसफुली अकम्पलिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क। सबसे पहला सेल्फ स्टीम, जॉब सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ अप्रेजल। बट ऑब्वियसली सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि पर्सन का खुद का बिलीव है कि वो कितना उस टास्क को अकम्पलिश करने में सक्सेसफुल हो पाएगा और कितना नहीं, तो ये सेल्फ स्टीम नहीं, क्योंकि वो एक होता है फेथ बिलीव कि हम ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सेल्फ अप्रेजल बिल्कुल नहीं होगा, बचा सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि वो किस लेवल तक अकम्पलिश कर सकता है, कितने चांसेस हैं, वो ये बिलीव कर रहा है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टीम नहीं हुआ कि मैं कर सकता हूँ, वो सोच रहा है कि उस पर्टिकुलर टास्क को मैं कितना कर सकता हूँ, तो ये सेल्फ एफिकेसी हुआ। देन वी हैव सिलेक्ट द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, एबिलिटी स्किल्स एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसी, एप्टीट्यूड एबिलिटी स्किल्स कॉम्पिटेंसी, स्किल्स एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसी एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एबिलिटी स्किल्स एप्टीट्यूड। अब देखो, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी आ जाएगी क्या? नहीं। सबसे पहले स्किल्स आ जाएगी क्या? नहीं। सबसे पहले एबिलिटी आ जाएगी क्या? नहीं। पहले आपका एटीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल चीज़ें सीखते हैं, फिर आप में एबिलिटी आती है। जब एबिलिटी आती है तो आप क्या, आप स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। और जब स्किल्स सीखते हैं तो स्किल्स आने के बाद कॉम्पिटेंसी आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ या मैं इस लेवल से बेटर कर सकता हूँ। तो हमारे पास है एज़ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, इनपुट फॉर बिहेवियर प्रोसेस, इस बिहेवियर प्रोसेस के लिए जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ड्राइव, ऑर्गेनिज्म, स्टिमली, रिस्पॉन्स। बट ऑब्वियसली आपके पास कोई स्टिमुलस होना चाहिए जिससे आप, जिस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, और रिस्पॉन्स देना ही तो आपका बिहेवियर होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन वी हैव एस ओ बी ए मॉडल कम्बाइंस दी एस आर मॉडल एंड, अब देखो एस आर मॉडल कम्बाइन करता है और क्या कम्बाइन करता है, ह्यूमन बींग। बट ऑब्वियसली एस ओ बी ए जो मॉडल है वो एस आर मॉडल का थर्ड स्टेज है, थर्ड वर्जन, जो मैंने आपको बताया कि तीन मॉडल जो होते हैं, तो इसमें ये ह्यूमन बींग को भी कम्बाइन करता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स तो इसके रिलेटेड नहीं है, बट हाँ ह्यूमन बींग इससे रिलेटेड है, तो ये अगर आपको याद होगा तो आप बिल्कुल ही कर लोगे, नहीं याद होगा तो छोड़ो, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। एंड इंड्यूरिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट अपीयर्स कॉन्स्टेंटली इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन इज, अब कॉन्स्टेंटली अपीयर कर रहा है तो ये उसकी पर्सनल ट्रेट है, ठीक है। एटीट्यूड, बिहेवियर, कल्चर, ये तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग इंसान एडजस्ट कर लेता है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट जो उसका पर्सनल ट्रेट है, जो उसकी फितरत ही है, वो थोड़ी वो एडजस्ट करेगा, वो तो अगर वो नहीं भी चाहेगा तो भी सेम रिएक्शन निकलेगा उसका, ठीक है। देन वी हैव सोशलेबल, टॉकेटिव, असर्टिव एक्सेट्रा आर फीचर्स ऑफ इंट्रोवर्शन, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्शन, कंसाइटियसनेस। भाई देखो, सोशलेबल, टॉकेटिव, असर्टिव, बट ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्जन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग आर द फीचर्स ऑफ एग्रीएबलनेस या कंसाइटियसनेस। बाकी ऑप्शंस में पढ़ ही नहीं रही, क्योंकि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। इंट्रोवर्ट भी अच्छा नेचर का हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है। बचता है लास्ट ऑप्शन भी, एग्रीएबलनेस। भाई जिसका नेचर अच्छा है, कोऑपरेटिव है, वो हर किसी से एग्री करने की कोशिश करेगा, पीपल प्लीजिंग होगा ही होगा, ठीक है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड आर द फीचर्स ऑफ, ये होगा कंसाइंटियसनेस, मतलब जो इंसान सोच समझ के कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ काम करे, बट ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबल होगा, डिपेंडेबल होगा, उस पर आप भरोसा कर सकते हो, उस पर आप डिपेंड हो सकते हो, परसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंटली काम करता ही रहेगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होगा ही होगा। देन वी हैव इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव एक्सेट्रा आर द फीचर्स ऑफ, ये फीचर्स मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये ओपननेस के फीचर हैं, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। लाइक एग्रीएबलनेस मुझे पता है, पीपल प्लीजिंग होता है, एक्सट्रोवर्जन भी आपको पता है क्या होता है, एंड कंसाइटियसनेस भी आपको पता है क्या होता है, बट ओपननेस के साथ साथ कंट्रैक्टिंग इसमें ऑप्शन डी भी मुझे लग रहा है, तो ओके आई एम नॉट हेयर कम्प्लीटली श्योर, तो आप चाहें तो इसे ओपननेस पढ़ के याद करके जा सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ओके सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं खुद से कुछ बोलूँगी नहीं, ठीक है। देन वी हैव टेंस्ड, इनसिक्योरिटी एंड नर्वसनेस आर फीचर्स ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्जन, कंसाइटनियसनेस। तो ये पहला ऑप्शन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, नर्वस हैं, टेंस्ड हैं, तो हम इमोशनली क्या हैं, इनस्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, ठीक है। देन वी हैव सम पीपल स्ट्रांगली बिलीव दैट ईच पर्सन हैव कंट्रोल ऑफ हिज ओन लाइफ, दिस इज, अब ये क्या है, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, मतलब ये उनका इंट्रेंसिक फैक्टर है, ये चीज़ उनके अंदर से आती है कि किसी भी इंसान का अपनी लाइफ पे कंप्लीट कंट्रोल है, तो ये उनका एक फर्म बिलीव है जिस पे वो टिके हुए हैं, पूरी लाइफ बिता रहे हैं अपनी, तो ये एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, इसमें एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, उनका खुद का बिलीव है। कंसाइटियसनेस नहीं होगी, एक्सट्रोवर्जन नहीं होगा, ओके। सो नाउ दिस इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि भाई लक, चांस या फिर किस्मत की बात है, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं, ठीक है। उनके लिए ये सारी चीज़ें जो कि बेबुनियादी हैं,
हाँ कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं सब बहुत मैटर करता है। जैसे MCQs में जो लोग जय माता दी बोलेंगे उनका लक ही उनका सब कुछ होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी जोक्स, तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया। देन वी हैव 177 डैश इज द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल विच डायरेक्ट्स देम टू बी इनवर्ड एंड प्रोसेस आइडियाज एंड थॉट विद इन देम सेल्फ। एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है आइडियाज़ और थॉट को विद इन देम सेल्फ प्रोसेस करना, तो ये साफ साफ इंट्रोवर्ट्स होगा। ठीक है, इंट्रोवर्शन, क्योंकि इंट्रोवर्ट ही ऐसा करते हैं। देन वी हैव डैश पर्सन्स आर लाइकली टू बी मोस्ट सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे वही मोस्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं उनके, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट, सेल्स और पब्लिक रिलेशन फील्ड ही ऐसे हैं जहाँ पर आपको सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है, बहुत बोलना होता है। ठीक है, देन वी हैव पर्सन्स आर लाइकली टू बी मोस्ट सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड वर्क बेस्ड ऑन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओके, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बेस पे जो काम करते हैं वो सक्सेसफुल, मोस्ट लाइकली टू सक्सेसफुल होंगे इस फील्ड में रिसर्च वगैरह के, तो वो इंट्रोवर्ट्स होंगे, क्योंकि वो शांति से चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो रिसर्च में और ये क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में वो बेस्ट होंगे। ठीक है, इंट्रोवर्ट्स का क्योंकि चुप रहते हैं, ऑब्जर्विंग होता है, और एक्सट्रोवर्ट सिर्फ बाहर की बोला ही करते हैं, सोशलाइज ही हुआ करते हैं। ठीक है, इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी दैट पीपल कैन टॉलरेट टू वर्क एफिशिएंटली विदाउट एक्सपीरियंसिंग अनड्यू स्ट्रेस। ओके, रिस्क प्रोपेंसिटी, अथॉरिटेरियन, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, वर्कोहोलिज्म। अब बट ऑब्वियसली भाई, पीपल कैन टॉलरेट क्वेश्चन में लिखा है, तो आंसर भी क्या होगा, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल बिलीव्स इन इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, स्टेटस, डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन इज। अब इसमें बिलीव करने वाला, बट ऑब्वियसली जब पावर की बात है, स्टेटस की बात है, तो वो क्या होगा, अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, देन वी हैव डैश 182 डैश इज द एक्सटेंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ पर्सनस बिलीव। पर्सनस के बिलीव की रिजिडिटी को डॉगमेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, टॉलरेंस रिस्क और अथॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, तो बचता क्या ऑप्शन है, डॉगमेटिज्म। देन वी हैव डैश द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू टेक चांसेस एंड रिस्क डिसीजंस। अब ये रिस्क प्रोपेंसिटी है, बट ऑब्वियसली चांस लेना चाह रहा है, रिस्की डिसीजंस लेना चाह रहा है, तो ये क्या है, उसकी रिस्क प्रोपेंसिटी है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है उससे भी बहुत मैचिंग है। ठीक है, अच्छा ये सारे MCQs पढ़ गए, ये मत सोचना कि यार ये सब तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थ्योरीज में से ऐसे पूछे गए हैं जहाँ पे थ्योरी का नाम तक नहीं लिया गया पर कंसेप्ट पूछे गए हैं। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि MCQ हो चाहे थ्योरी हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वहाँ पे कंटेंट और कॉमन सेंस की कमी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 184 डैश इज मैनिपुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एज अ प्राइमरी वे ऑफ अचीविंग वंस गोल। ओके, इसमें है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मैचियावेलिज्म। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अदर के प्राइमरी वे ऑफ अचीविंग वंस गोल, उसको मैनिफ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करना, ऊपर के तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं होगा, तो बचता क्या है, लास्ट ऑप्शन डी। क्योंकि ये आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे भी ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ाया है, तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन, मैंने इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करना सही समझा। ठीक है, देन वी हैव डैश पर्सन्स फील क्रॉनिक सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी। अब ये टाइप ए पर्सन्स होते हैं क्योंकि जिन्हें हर चीज़ की बहुत जल्दी मची होती है। मैंने आपको क्या कहा अभी लास्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन था कि वो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से उनके डिसीजन बहुत ही बेकार या फिर बहुत ही पुअर होते हैं, तो वो टाइप ए के पर्सन होते हैं उनके, क्योंकि उनको बहुत जल्दी मची होती है, बहुत जल्दी उनको हर काम करना होता है, तो जिनको जल्दी मची है मतलब टाइम अर्जेंसी है, तो टाइप ए हो गया। ठीक है, देन वी हैव डैश पर्सन्स आर इजी गोइंग पीपल एंड डू नॉट फील टाइम अर्जेंसी। बट ऑब्वियसली टाइप बी के लोग बहुत इजी गोइंग होते हैं, आराम से ज़िंदगी उनकी चल रही होती है, कट रही होती है, बढ़िया रहे चिल कर, ऐसे वाले होते हैं। ठीक है, देन वी हैव डैश इज एन एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज ग्रैटिफाइड और फुलफिल्ड बाय हिज वर्क। इसे हम जॉब सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, ग्रैटिफिकेशन, फुलफिल्ड बाय हिज वर्क, सिंपली सेटिस्फैक्शन का मतलब है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, सॉरी फॉर दैट साउंड बिहाइंड, पर अब बारिश हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। देन वी हैव मास्लोस बेसिक नीड्स आर ऑल्सो नोन एज। बेसिक नीड्स को हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। देन वी हैव मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी विच नीड्स आर शोन बिटवीन स्टीम नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। स्टीम और सेफ्टी के बीच में कौन सी नीड है,
सोशल नीड, ठीक है, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जॉब सेफ्टी मिल गई, अब आप सोशल मतलब आप कुछ रिश्तेदार नात हित कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह बनाना चाहेंगे, उसके बाद सेल्फ स्टीम होता है, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, मैंने आपको कल ही बताया, एल्डरफर, एल्डरफर याद रखना इनका नाम एल्डरफर है जिन्होंने ERG थ्योरी, आई थिंक ये कल वाले वीडियो में भी है, हाँ ये क्वेश्चन था कुछ ऐसा घुमा फिरा के। देन वी हैव ड्यूअल स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ मोटिवेशन इज डेवलप्ड बाय, इट इज़ डेवलप्ड बाय एफ हैंसबर्ग, मोटिवेशन का ड्यूअल स्ट्रक्चर एफ हैंसबर्ग ने डेवलप किया। देन वी हैव अंडर हैंसबर्ग थ्योरी फैक्टर्स कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड, डिससेटिस्फैक्शन कॉजिंग फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ हाइजीन फैक्टर्स, हैंसबर्ग की थ्योरी को हाइजीन फैक्टर थ्योरी या फिर हाइजीन मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, याद है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स को हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स आर मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं, सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि उसमें डिफेक्टर्स भी है, सेटिस्फायर्स नहीं होगा क्योंकि देखो हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं लाइक अच्छा खासा कंटिन्यूस पेरोल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड एंड एप्रिसिएशन, ये सब कुछ मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं कि आपके जो जॉब के सेटिस्फैक्शन है उसे मेंटेन कर रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। मोटिवेशन इट इज़ एम सी ग्रीगर ने थ्योरी एक्स एंड वाई दी थी, ये थ्योरी भी बहुत फेमस है, इसमें दो जो बताए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की इंसान काम करना क्यों चाहता है और क्यों नहीं चाहता है, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो मुझे तो पढ़ने में ठीक लगी थी। देन वी हैव डैश थ्योरी बिलीव्स दैट एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बिलीव करती है कि वर्क, देखो ऊपर वाली जो थ्योरी मैंने भी आपको बताई एम सी ग्रीगर की थ्योरी एक्स एंड वाई, उसमें यही है कि थ्योरी एक्स में वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ काम करना चाहते नहीं हैं पर उन्हें अगर अच्छी सिचुएशंस मिले तो वो काम करेंगे, मतलब वो विलिंगली आलसी होते हैं बट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और थ्योरी वाई में वो कहते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो विलिंगली काम करना चाहते हैं, वो हमेशा से प्रोडक्टिव होते हैं और उन्हें और अच्छे अगर जॉब सेटिस्फैक्शन के कुछ फैक्टर्स मिले तो वो और अच्छा काम करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉयज़ लव वर्क एज प्ले और रेस्ट, देखो एज़ कम्पेयर टू प्ले और रेस्ट एम्प्लॉय काम करना पसंद करते हैं भाई, बट ऑब्वियसली थ्योरी नंबर वाई में है क्योंकि वाई में एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव साइड दिखाया गया। देन वी हैव जेड थ्योरी इज़ अ जैपनीज अप्रोच ऑफ मोटिवेशन डेवलप्ड बाय, इट इज़ डेवलप्ड बाय विलियम ओची, थ्योरी एक्स वाई को एम सी ग्रीगर ने डेवलप किया है पर थ्योरी जेड को विलियम ओची ने डेवलप किया है, आप खुद ही देख लो जैपनीज अप्रोच लिखा है तो एल्डरफर ग्रीगर और कैलैंड ये सब जो नाम है ये बिल्कुल भी जैपनीज नहीं लग रहे पर विलियम ओची लग रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कम्प्लीटली बेसलेस जोक हम आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू डैश द मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड वर्क टुगेदर एज पार्टनर्स एंड ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस। अब थ्योरी जेड ऐसा कहती है, ठीक है, थ्योरी एक्स वाई आपको पता है क्या होता है लाइक कि थ्योरी एक्स में नेगेटिव है एम्प्लॉयज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया, थ्योरी वाई में पॉजिटिव दिखाया गया, और जो टू फैक्टर थ्योरी है जो कि हैंसबर्ग की हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी या मोटिवेशन थ्योरी है उसमें ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया, उसमें सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन दो चीज़ें बोली गई हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ जेड थ्योरी। देन वी हैव आई थिंक जेड थ्योरी नहीं है आपके बुक में शायद बट इट्स ओके पढ़ लो छोड़ मत देना, विच वन इज़ नॉट अ नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ओके मैस्लो की थ्योरी में भी नीड्स बताई गई हैं, ठीक है, एल्डरफर की थ्योरी में भी नीड्स बताई गई हैं, हैंसबर्ग की थ्योरी में भी नीड्स बताई गई हैं, सेटिस्फाई क्या करता है क्या सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसमें नीड्स नहीं बताई गई हैं वो विक्टर व्रूम की थ्योरी है, ठीक है। देन वी हैव विच वन इज़ नॉट अ प्रोसेस बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन में की प्रोसेस बेस्ड थ्योरी इनमें से कौन सी नहीं है, ओके वाटर लॉरल एम सी कलैंड स्टैकली एडम्स एंड व्रूम्स थ्योरी। देखो एम सी कैलैंड की थ्योरी प्रोसेस बेस्ड नहीं है क्योंकि पॉटर के में डैम्स के में व्रूम्स के में एक प्रॉपर प्रोसेस दिखाया गया कि स्टेप ये स्टेप टू स्टेप थ्री ऐसा ऐसा करके आप इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं ये तरीके, बट मैकलैंड की थ्योरी में ऐसा नहीं दिखाया गया तो इसलिए वो एक प्रोसेस बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नहीं है। ओके सो दिस वॉज इट, मैंने कहा था कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 पहले वीडियो में आ चुके हैं, 100 इसमें थे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर एग्जाम्स, जो समझ में ना आए उसमें कॉमन सेंस यूज़ करके एलिमिनेशन यूज़ करना, जो याद हो उसमें डायरेक्टली क्लिक करना, सेकंड थॉट मत लाना, एंड बाकी बचा हुआ जय माता दी ऊपर वाला सब देखता है। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू।